चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। नीलेश भगत, आनंद दीपक देव। मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो रंगीन है, प्यार का कोई चेहरा नहीं फिर भी वो हसीन। अच्छा, कृतिका देव पुरोहित, शिवानी शुक्ला, दीपू, ड्रीम क्वीन, राधे राधे, निशु, सुमिता, विशाली, सोनम, नेहा, आरती, अमन, प्रिया, आरती, हरिद्वार, वैशाली, षष्टि, रीना, पीहू, अनुज, दीपक। चलिए, तो सभी को प्रणाम, सबको नमस्ते। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इसको क्लोज करो ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बढ़िया ठीक ठाक कर ही रहे होंगे आप लोग, है ना। मक्कारी कर लेते हो कभी कभी ऐसा लगता मुझे, क्योंकि कभी कभी क्लास में आते ही नहीं तुम लोग। इसके अलावा आज भारतीय लोक कला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये विनर्स का क्विज जोन है, यहाँ आप स्कैन करेंगे तो सीधा प्रैक्टिस जोन में आपको पहुँचेंगे। एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे यहाँ पे। ये विनर्स का टेलीग्राम चैनल है, इसकी पीडीएफ आपको लेक्चर के चंद सेकेंड बाद यहाँ पर हमेशा की तरह आज भी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप सब लोग फटाफट से। ये विनर्स का व्हाट्सअप चैनल है, इसे भी आप फॉलो कर लीजिएगा। ये क्या आपका विनर्स का व्हाट्सअप चैनल है, इसे भी आप फॉलो कर लिएगा। आवाज क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। टाइम मिलता किसी को नहीं, टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल है 24 तारीख कल का, ज्योग्राफी 9 बजे, नरेंद्र सर, जामिल सर साइंस 10 बजे, उन्नति मैडम 4 बजे, कुंदन सर स्टडी जीके, मतलब मैं आपके सामने खड़ा हूँ अभी, जो 5 बजे डेली आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ, और रीजनिंग 6 बजे। तो ये आपके 24 तारीख का शेड्यूल आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता, आपके एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया, यमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकार्थ हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास, मालदीव। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री शक्ति 23 किया, इंडोनेशिया। ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, आपका लिंडा याकारीना, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, इसका आंसर करिए आप। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। चाय बन रही हो अनु की, चाय बनती रहती रोज। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे दूं, ये आपके मुंबई में, एक्स्ट्रा फैक्ट में आपका क्या है, ये आपके मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपका सॉलसेट द्वीप, कौन सा द्वीप, आपका सॉलसेट द्वीप। तो सॉलसेट द्वीप आपके कहाँ पर, मुंबई। तो मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, ये आपका जो सॉलसेट द्वीप मुंबई में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। मुंबई दहेज में मिला था किसको, आपके चार्ल्स द्वितीय को। किसको मिला था, आपके चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था मुंबई, है ना, ये आपको याद रखना। पुर्तगालियों ने इसको दिया था, पुर्तगाल की राजकुमारी जिसका नाम क्या था, तो पुर्तगाल की राजकुमारी जिसका नाम क्या था, आपका कैथरीन। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, तो पुर्तगाल की राजकुमारी जिसका नाम क्या था, कैथरीन से शादी करते हैं, तो दहेज में क्या मिलता है, दहेज में आपका मुंबई, जिसको 10 पौंड में आपके चार्ल्स द्वितीय ने आपका किसको दे दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। मुंबई का सॉलसेट द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला है। मुंबई के संस्थापक कौन थे, आपके गेराल्ड ऑंगियर। कौन थे, आपके गेराल्ड ऑंगियर, ठीक है। तो गेराल्ड ऑंगियर क्या थे, आपके मुंबई के संस्थापक। ओके सर, हमें गाड़ी भी नहीं मिल रही, तो कहाँ जाना है। चलिए, तो वन का आंसर क्या होगा, वन का आंसर डी होगा, है ना। चलिए, प्रसिद्ध जल्लीकट्टू महोत्सव बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, जल्लीकट्टू, है ना, इसका आंसर करिए। सर लाइक कर दिया, ओके बेटा बहुत बढ़िया, जल्लीकट्टू इसका आंसर करिए। जल्लीकट्टू कहाँ पर, आपके तमिलनाडु में, कहाँ पर, आपके तमिलनाडु, ठीक है। ये अपना काना जबरदस्ती अथड़ रहा है किससे, बेल भैया से, है ना, गेम खेल रहा अपना काना, बेल को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, बेल पर फतेह पाने के प्रयास कर रहा है, परंतु गाय दीदी का लड़का बेल भैया है, ठीक है, क्योंकि बेल किसी का नहीं होता है ना, उसके पास सींग है ना,
और सींग से बहुत कुछ कर सकता है। तो प्रसिद्ध जल्लिकट्टू महोत्सव बुल फेस्टिवल किस राज्य में? आपके तमिलनाडु में। ठीक है, अगला दीपू, निशा, नीलेश, चंगू, सोनम। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्व कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर, स्प्रूस। हिमालयी वनस्पति में नहीं आता है ना, हिमालयी वनस्पति में नहीं आता है। स्प्रूस, सिल्वर फर, जूनिपर। गुड, विक्की ठाकुर, भिंड। बहुत अच्छा आंसर किया है, नहीं गलत किया आपने। ठीक है, ये आपका जो महोगनी है, ये आपका महोगनी। ठीक है, ये आपका उधर अमेरिका, मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज में आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका, मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो ये आपके वेस्ट इंडीज आपने देखा होगा। वेस्ट इंडीज जो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महोगनी। ठीक है, ये आपके हिमालय के अंतर्गत वनस्पति में नहीं आता है। ठीक है, महागोनी बेटा पेड़ है, पौधा है, क्या आपका प्लांट है, क्या आपका प्लांट है। चलिए देखो, ऐसे लंबे लंबे। ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? बड़ा आसान प्रश्न है। भगत कुमावत, कृतिका कैसे हो आप? अच्छा, हालचाल हमसे भी पूछ लो, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा है? हमसे तो नमस्ते भी नहीं करा। चलो, तो ये आपके ओणम किस राज्य में आपके? तो ओणम आपके केरल में। ओणम कहाँ पर आपके? तो ओणम आपके केरल में। ओणम कहाँ पर आपके? केरल में। ठीक है, वहाँ हालचाल पूछ रहा है, नमस्ते भी नहीं कर रहा। तो ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख नृत्य आपका? तो ओणम आपके कहाँ पर है? तो ओणम बेटा आपके केरल में। बड़ा सड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ है क्या बताओ? कुछ नहीं है ना। तो ओणम कहाँ पर आपके? केरल में। हर हर महादेव, नेंची ठाकुर। चलो बेटा इसका आंसर करो। है ना, इसको टेलर घाटी, इसको वैली ऑफ डेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैली ऑफ डेट के नाम से भी जाना जाता है ना, मृत घाटी, वैली ऑफ डेट। ठीक है, 1933 में इसको खोजा गया था। 1903 में क्या किया था? इसको खोजा गया था। तो इसको कब खोजा गया था? तो इसको खोजा गया था 1903 में। तो 1903 में इसको क्या किया गया था? 1903 में इसको खोजा गया था। ये आपके वैली ऑफ डेट, मृत घाटी, टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है आपके? तो टेलर घाटी आपको याद रखना है। ठीक है, तो टेलर घाटी आपके अंटार्कटिका में। टेलर घाटी बेटा कहाँ पर आपके? तो टेलर घाटी आपके, ये आपको याद रखना है कि टेलर घाटी आपके अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में टेलर घाटी आपको याद रखना है। रॉबर्ट फॉल्कन ने इसको खोजा था, रॉबर्ट फॉल्कन। ठीक है, तो रॉबर्ट फॉल्कन ने इसको क्या किया था? रॉबर्ट फॉल्कन ने इसको खोजा था। तो रॉबर्ट फॉल्कन ने इसको खोजा था 1903 में, वैली ऑफ डेट है ना, मृत घाटी, टेलर घाटी आपके अंटार्कटिका में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ क्या है? ओ सर, चाय उबल गई आज सुबह सुबह, हो गया। ओके बेटा, अन्नू जामरा। ठीक है, चलो, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। कनाडा की राजधानी क्या? गुड आंसर, बहुत अच्छा आंसर किया है। कनाडा की राजधानी बताइए आप, कनाडा की राजधानी क्या? राम राम दोस्त, राम राम। कनाडा की राजधानी बता दो आप, तो कनाडा की राजधानी क्या आपके? कनाडा की राजधानी ओटावा। शानदार आंसर किया है कविता। और यूएसए की राजधानी क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या आपके? अमेरिका की राजधानी क्या आपके? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बी होगा, तीसरे का आंसर बी होगा। प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है आपके, प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस राज्य में आपके मनाया जाता। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट से। प्रसिद्ध हम्पी उत्सव, हम्पी आपके कहां पर है, हम्पी आपके कर्नाटक में। ये हम्पी कौन सी नदी किनारे आपके, तुंगभद्रा, ठीक है, कौन सी आपके, तो हम्पी आपके तुंगभद्रा नदी किनारे, हम्पी आपके तुंगभद्रा नदी किनारे आपके कर्नाटक में, हम्पी तुंगभद्रा नदी किनारे कर्नाटक। जो विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ाया होगा, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, तुंगभद्रा नदी किनारे कर्नाटक। तो प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो प्रसिद्ध हम्पी उत्सव आपके कर्नाटक में। निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य थे, देवगौड़ा, आई के गुजराल, चंद्रशेखर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सर आपकी आवाज मोदी जी से मिलती है, थैंक यू भाई दोस्त। तो ये जो आपके चंद्रशेखर है, ये आपके देवगौड़ा, ये राज्यसभा मेंबर रहे, राज्यसभा, ठीक है, क्या रहे आपके, ये आपके राज्यसभा मेंबर रहे, क्या रहे आपके, राज्यसभा। आई के गुजराल भी आपके राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा से क्या रहे आपके, राज्यसभा से आपके सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री। ये तो अभी भी राज्यसभा आपका जो राजस्थान में कोई सा क्षेत्र है वहाँ से राज्यसभा के सांसद है अभी। और ये आपके 1990 में आपके 90 की बात है, लोकसभा के सदस्य और प्रधानमंत्री बने थे आपके चंद्रशेखर। तो इसका आंसर सी आएगा, क्या आएगा आपका, सी आएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लास थोड़ी ना, लाइव क्लास है ना, हाय हेलो बोलो क्या करना है, ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव है बेटा, लाइव, ओके। तो फोर का आंसर क्या होगा, फोर का आंसर सी होगा, फोर का आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है। चलिए सर, इंस्टा पर आप हीरो लगते, हीरो बेटा मैं हीरो, ठीक है। मकर विलुक उत्सव का संबंध किस राज्य से, इसका आंसर कर दीजिए, एक तो नाम भी ऐसे पढ़ते ही नहीं आते इनके। मकर विलुक्कु, मकर विलुक्कु उत्सव का संबंध किस राज्य से आपके, ये आपके केरल से, कहां से आपके, केरल से, कहां से आपके, केरल से, कहां पर आपके, केरल से, ठीक है। ये आपके अमृता पटेल के लिए तालिया, सेशन सर प्लीज सर, खेल के संविधान शब्द कब करा दो, है ना, नाइस सेशन सर, सर प्लीज खेल के शब्द, खेल संबंधी शब्द कब करा दो, ओके ओके, समझ गया आपका कहना, हमें क्या कहना चाहते हैं आप। इसके अलावा कुसुम दांगी, थैंक यू, नाइस सेशन सर, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मज़ा भी आता पढ़ने में और क्लास का पता भी नहीं चलता है कब पूरी हो गई, थैंक यू सर, थैंक यू। रवि मोरे के लिए, मुकाबला ऐसा करो कि अगर तुम हार भी जाओ तो उसका जीत से ज़्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हो, अरे वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकंदर जब किताब है, किताब उस संग तेरी यारी होगी, थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लिखा, वेरी नाइस, ठीक है सर, लाइक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो शराब दे दूंगा। राहुल सिरतरे के लिए तालियां, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किए, राहुल, रवि, अमृता, खुशबू, कुसुम, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किए, तालियां हो जाए इनके लिए। अगला प्रश्न आया आपके, बस ये जनरल अवेयरनेस यही चल रहा आपका, देखो दो राज्य है आपके, नागालैंड, कौन सा आपका, नागालैंड, ठीक है, तो ये जो आपका नागालैंड और आपका पुदुचेरी, नागालैंड और आपका पुदुचेरी, ठीक है, तो नागालैंड और पुदुचेरी, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, यहाँ पर एक एक सीट है क्या आपके, एक एक सिटी आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित राज्य और संघ शासित क्षेत्र समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक एक सीट है, तो एक एक सीट है लोकसभा में आपका, चंडीगढ़ हो गया है, सिक्किम हो गया है, तो चंडीगढ़,
सिक्किम मिजोरम नागालैंड और पुदुचेरी, यहां पर क्या है एक एक सीटें आपको याद रखना है। तो फाइव का आंसर बेटा क्या होगा, फाइव का आंसर डी होगा, फाइव का आंसर डी होगा, ठीक है। फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, फ्लेमिंगो एक फेस्टिवल, फ्लेमिंगो आपका पक्षी का नाम है, ठीक है। कृतिका सर मैं जा रही हूँ, सही नहीं है मेरी तबीयत। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा सर आज। यस सर की कक्षा है सर, यस सर की क्लास अभी नहीं है, यस सर बीमार हो गए, तबीयत खराब है इनकी। बिल्कुल दीपू परमार, अन्नू चाय लिया है, हो बेटा अन्नू पी लेंगे। फ्लेमिंगो आपके आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश के आपका नेल्लोर जिला, ठीक है। तो फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश के किस जिले में आपके, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, ठीक है। थोड़ा बेटा अभी कम खाओ जरा, अंडारे भंडारे में दे दमादम पूरी दिए जा रहे हो, बत्ती तेल थोड़ा जरा ध्यान से खाओ, भंडारे में अभी तो दबी नहीं रहोगे। विधान परिषद किस साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है, आप अनुच्छेद पढ़ना, अनुच्छेद 197, कौन सा आपका अनुच्छेद 197, तो आर्टिकल 197 आप पढ़ोगे, आर्टिकल 197 तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 197 कभी आप पढ़ के देखना, वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो कितना माह आपके, 4 माह, क्या आपका 4 माह, ठीक है। तो विधान परिषद किस साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है, 4 माह, अनुच्छेद 197। कल विराट कोहली का शतक नहीं हुआ यार, मजा बिगड़ गया सब, है ना। 2 मैच तो ऐसे हो रहे, कोहली का शतक के लिए अपन आखिरी में मतलब वो इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो अब क्या करें, नहीं हुआ तो ठीक है। चलो अंकित कुछ गड़बड़ हो गया क्लास में, हो गया। लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है आपके। हाँ तो इंडिया तो जीत गए, तो सबको पता है। लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन आपके अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर आपके, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कहाँ पर आपके, अरुणाचल प्रदेश में आपका लुम्बिनी महोत्सव। मुझे पता था कि आप बिहार लगाओगे, क्या लगाओगे आपके, बिहार लगाओगे, ठीक है। जानबूझ के लाया क्वेश्चन में। बराबर की पहाड़ियाँ, ये आपके कर्ण चोपार सुदामा, विश्व झोपड़ी, कौन सी आपके, विश्व झोपड़ी, ठीक है, विश्व झोपड़ी। बराबर की पहाड़ी आपके बिहार में, बराबर की पहाड़ी बिहार में। इनका निर्माण अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए करवाया था, बराबर की पहाड़ी आपके बिहार में आजीवक संप्रदाय के लोगों के रुकने के लिए। जो आजीवक संप्रदाय है वो क्या कहता है कि जो कुछ भी होता आपका भाग्य निर्धारित करता है, जो कुछ भी होता आपका भाग्य निर्धारित करता है, कौन कहता आपका, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय आपको बिगाड़ रहा है, क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। आजीवक संप्रदाय तो ये कह रहा है कि खा पी के पड़े रहो, ठीक है, तो खा पी के पड़े रहो अजगर जैसे, जो कुछ होगा आपके भाग्य में वो मिल जाएगा, ऐसा कौन कहता आपका, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आपके, मखली घोषाल, कौन थे आपके, मखली घोषाल, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आपके, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके मखली घोषाल थे, है ना। और अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए आपके, ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में कर्ण चोपार सुदाम विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया था, ठीक है। तो यहां पर क्या आपका, चलिए तो सेवन का आंसर होगा ए, सेवन का आंसर ए होगा। अगला, बतुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बतुकम्मा फेस्टिवल, सोलन,
सर एक सॉन्ग याद आया, विनर्स होता है और क्या चाहिए, कहीं समझ में नहीं आया तुम्हारा सॉन्ग कौन सा आपका। अजगर किसको बोला, एक बोल रहा अजगर किसको बोला, अरे अजगर बतुकम्मा, बतुकम्मा आपके तेलंगाना में, कहाँ पर आपके तेलंगाना में, ठीक है। तो तेलंगाना में बतुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो बतुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर आपके, तो बतुकम्मा फेस्टिवल आपके कहाँ पर आपके, तो बतुकम्मा फेस्टिवल आपके तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। तो तेलंगाना में बतुकम्मा फेस्टिवल, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते कहाँ पर स्थित है आपके, तो ये आपके हम्पी, ठीक है। आपके जो संगम सालू, जो आपके तुलु वंश के एक बड़े शक्तिशाली राजा थे, तुलु वंश के शक्तिशाली राजा जिसका नाम क्या था आपके, कृष्णदेव राय, कौन थे आपके, तो ये जो आपके कृष्णदेव राय, कौन से आपके कृष्णदेव राय, ठीक है। तो कृष्णदेव राय कौन से वंश के आपके, तो कृष्णदेव राय आपके तुलु वंश के। तो तुलु वंश के शासक कौन आपके, तो तुलु वंश के राजा थे आपके कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का समय है आपके 1509 से लेके आपके 1529, तो 1509 से लेके 1529, 1509 से, ठीक है। सर साइड हो गया, हो जाओ, ये साइड हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1509 से 1529 कृष्णदेव राय का समय है, तुलु वंश। कृष्णदेव राय को भारत का शक्तिशाली राजा किसने बताया, तो भारत का शक्तिशाली राजा, भारत का शक्तिशाली राजा किसे आपके, तो भारत का शक्तिशाली राजा आपके कृष्णदेव राय को किसने बताया था आपके, बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में, वहां पर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को बताया है, ठीक है। तो ये आपका हम्पी में 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर, आपका हम्पी आंसर इसका होगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या आपके, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक में आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। सर संडे को क्लास रखा करो, एक दिन आपको ना देखे तो बेचैनी सी होती है। अच्छा तो रिकॉर्डेड में देख लिया करो। 8 का आंसर सी, क्यों रे भैया, थोड़ा तो आराम पड़ेगा, रिकॉर्डेड में देखोगे तो। सर आवाज फुरफुरी आ रही, माइक थोड़ा दूर करो। अच्छा मजनू की लेला, हो, नाम देख रहे हैं इनके, लेला में लेला लेला, ये मेला का आंसर करो आप। तो कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा आपका, मेद्राम जत्रा, कौन सा आपका, मेद्राम जत्रा फेस्टिवल, मेद्राम जत्रा फेस्टिवल। तो ये जो आपका मेद्राम जत्रा फेस्टिवल है, मेद्राम जत्रा फेस्टिवल, ठीक है। तो टीना चौहान सर मेरे मैसेज नहीं देखते क्या आपको, हाँ नहीं देखते आपके मैसेज हमको, तो मेद्राम जत्रा फेस्टिवल दूसरा सबसे बड़ा है, ये भी उधर दक्षिण भारत में मनाया जाता है, कहाँ पर आपके, दक्षिण भारत में, ठीक है। चलो पुष्पेंद्र पाल के लिए तालिया है ना, बेस्ट सेशन, थैंक यू गुरुजी। गोपी जाधव के लिए तालिया, थैंक यू सो मच सर। सचिन चौधरी, हर वक्त वक्त हर वक्त को बदल देता, सिर्फ वक्त को थोड़ा वक्त दो। वाह दोस्त, जय हिंद, बहुत बढ़िया है ना। गोपी जाधव अगेन नाम आया इनका। चलिए निम्न में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, उसका समय था आपके 1921 से लेके 1926, ये इतनी हिंट दे दी मैंने, आप तुम बताओ। ग्वालियर का मेला सबसे बेस्ट, आनंद रजा, ग्वालियर के डॉन, ओ हो, ग्वालियर के डॉन भी पढ़ रहे हैं। हाँ डॉन, डॉन बोल रहे हैं कि ग्वालियर का, आप डॉन ने कहा ग्वालियर का मेला तो बेस्ट ही भैया, डॉन से कौन पंगा ले, डॉन को 11 मुल्क के चौकीदार ढूंढ रहे हैं, है ना। साइड हो जाया करो। जी सर, जी मैडम। तो यह जो आपका लॉर्ड रीडिंग है, कौन आपका लॉर्ड रीडिंग, तो लॉर्ड रीडिंग यहूदी वाइसराय था। इज़राइल किस प्रकार की कंट्री आपके,
तो इसराइल आपके यहूदी कंट्री है, ठीक है, इसराइल के आपके यहूदी कंट्री, एक तरफ मुस्लिम कंट्री हो गई है, एक तरफ यहूदी इसराइल देश, बड़ा खतरनाक घमासान चल रहा है, ठीक है, और घमासान कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का समय कब से कब तक है? लॉर्ड कर्जन का, अच्छा लॉर्ड कैनिंग का तुम बता दो, जब तक मैं इधर बता देता हूँ। लॉर्ड कर्जन का 1899 से लेके 1905 तक है। लॉर्ड इरविन का समय कब से कब तक है? लॉर्ड इरविन का समय 1926 से 1931 तक काम करेगा भारत में, ठीक है। ये इसका समय आप बताओ, ये अपने लॉर्ड कैनिंग का। सर रिचार्ज करा दो, नेट खत्म हो गया। ओके बेटा, करा रहा ना, बस क्लास ले लूँ फिर मैं नेट का रिचार्ज करने जा रहा हूँ। नहीं, गलत लक्ष्मी आपका आंसर। तो जो लॉर्ड कैनिंग है ये 1856 से 1862 या 63 तक काम करेगा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति होती है। भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था आपका? भारत का प्रथम वायसराय भी आपका लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। वीडियो को लाइक मत करो तुम, बाकी सब कर लो। भारत के किस राज्य में फतोरपा जत्रा उत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर कर दो जरा। गजब बेइज्जती कर रहे हो सर जी। सरपंच साहब आ गए हो, क्या बात है। टिकट टिकट मिला के नहीं? मुंह कैसा बना रहा भैया, क्या नाम है इसका, बब्बर शेरनी, क्या हो गया बेटा, मुंह को अपने ऐसे बना के रख लिया, देखो तो इसका मुंह है ना। सर 2 बार लाइक किया है। अमन रेन दो बेटा, एक बार फिर कर दो, फिर मत करना आप। ये भारत के किस राज्य में फतोरपा जात्रा उत्सव? आपके गोवा में, गोवा वाला बीच, ठीक है। कहाँ पर? आपके गोवा में। कहाँ पर बेटा? आपके गोवा में। एम आर राजू ने लगता आज करंट बॉक्स में भंडारा है, बहुत भीड़ है, ठीक है। चलिए तो ये आपका गोवा आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? भंडारा आज कहाँ भंडारे, आज की थोड़ी ना होंगे, कल परसों से भंडारे होंगे। लाइक या तो एक बार करा करो या 3 बार करा करो। निम्न में से कौन सी, ये आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और आपका सिलिकॉन अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? 10 का आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। जर्मेनियम, परमाणु क्रमांक 32। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया? सड़ा प्रश्न एकदम, सबसे सड़ा क्वेश्चन आज का, सिग्मो फेस्टिवल। बच्चे गए कहाँ? भंडारे में गए सब लगता आज। सरपंच साहब को टिकट मिल गई है। अखिलेश कुंभ कर क्या नाम है? सिग्मो फेस्टिवल आपके गोवा में। गोवा राज्य कब बना था? 1987 में। तो सिग्मो महोत्सव कहाँ पर? आपके गोवा में। कहाँ पर? आपके गोवा में, ठीक है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेहनत कौन करे, हम तो भंडारे में जाएंगे, ठीक है। भंडारे में फ्रीखंड में श्रीखंड, वहाँ जाके बैठ गए, ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ ले। मैं ये नहीं बोल रहा कि भंडारे मत जाओ, जाओ फिर थोड़ा काम है वो भी तो कर लो, अपना काम ही नहीं कर रहे हैं। सुबह भी सूत लिया, दोपहर में सूत लिया, शाम को फिर सूत लिया, जेब में भर के लिया है, डब्बा लेगा उसमें भर के ला के सूत रहे, तो तबीयत तो खराब होगी ना बाबा। थोड़ा जरा भगवान का प्रसाद के हिसाब से खाओ, दिया सूते जा रहे हो, एक इधर खाया एक इधर रखा। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिए आप। अजगर जैसे पड़े रहते हो। मनोज सिंह 143। बाय सर। अरे कहाँ जा रहे हो यार, तुम्हारे लिए तो क्लास लेना है और तुम ही जा रहे हो तो फिर मैं भी चले जाऊंगा।
उपवास रखते हैं सर, टीना बोल रही है। अच्छा, साबूदाने कितने खाए बेटा सुबह से? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष आपके किसे नियुक्त किया गया? आपके रवनीत कौर। किसको? आपके रवनीत कौर को। ठीक है, तो ये जो आपके रवनीत कौर है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जीपी राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने आपके, है ना। वो आपका पापुआ न्यू गिनी है ना, पापुआ न्यू गिनी। ओके। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपके 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ये आपका चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया आपके? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट। ये इसका तो आंसर आएगा एरावत। क्या आएगा आपका? एरावत। और ये आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। क्या आएगा आपके? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष आपके रवनीत कौर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री, पापुआ न्यू गिनी। प्रतिवर्ष आपके अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में एरावत। ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी आई चैट बॉट जुगलबंदी किसने आपके माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है? ठीक है, ये देख लो आपके। सर मेरा एक बार नाम ले लो, चुपचाप क्लास देखता रहूंगा। राजा ठाकुर, बहुत अच्छा लड़का राजा ठाकुर बेचारा है ना, बहुत अच्छा, चुपचाप क्लास देखता है। राजा ठाकुर के लिए तालियां। ठीक है, राजा ठाकुर जी के लिए तालियां बजाओ। पापुआ न्यू गिनी बेटा ऑस्ट्रेलिया के नीचे, शिवानी शुक्ला। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया साइड जाओगी ना आप कभी घूमने, तो उधर पापुआ न्यू गिनी आपको देखने को मिले। वहाँ के प्रधानमंत्री पाँव भी छूते हो पाए गए थे प्रधानमंत्री मोदी को, आपने देखा होगा वीडियो है ना। तो ये आपका व्यापम फाउंडेशन बैच आपका, जिसकी फीस है 9999, 999। ठीक है, तो जिसकी फीस है आपके 999, 9999। 26 अक्टूबर को बैच प्रारंभ हो रहा, 2 बजे से 8 बजे तक। 15 से 24 अक्टूबर तक ये ऑफर है 9999 के, है ना, बहुत ही नॉमिनल फीस है। नवरात्रि स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेस पर भी क्या आपका ऑफर चल रहा है, तो जो आपके ऑनलाइन कोर्सेस पर। ठीक है सर, आप हाँ भंडारा करेंगे बेटा। ठीक है, तो अज्जू लोधी प्रचार, अज्जू फेंक देंगे तुमको उठा के भंडारे की वो खीर की उसमें कढ़ाई में। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन कोर्सेस, बहुत ही नॉमिनल फीस है आपके, है ना। वो पूड़ी के बीच में बेटा दबा देंगे भंडारे की, सोच लेना। चल इसका आंसर करो, तो क्वेश्चन नंबर 11 का, 11 का आंसर करो। आंसर तो कर नहीं रहे हो सही से। इनको परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता, होमी जहांगीर भाभा। क्या कहा जाता आपके? परमाणु। ठीक है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी किसे कहा जाता? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक, कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक, नाभि की ऊर्जा। अज्जू ने बहुत अच्छा आंसर किया है ना, अज्जू पहलवान ने खीर और पूड़ी के बीच में से जोरदार आंसर किया। होमी भाभा पुरस्कार है ना, साइंटिस्ट नाभि की ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में किया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव, सरपंच साहब भंडारा कर रहे, पता नहीं गांव का नाम ऐसा लिखा, हमने सुना ही नहीं कभी जीवन में। ठीक है, वो भंडारे के पैकेट भिजवा दो तुम तो इधर पूड़ी और इनके सबके। काला घोड़ा महोत्सव आपके मुंबई में। ठीक है,
इधर भंडारा कराओ, इधर हमारे इंदौर में भोलाराम पे करवाओ, यहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य, पैकिंग मनुष्य, ठीक है, वर्तमान का जो मनुष्य आपका होमो सेपियंस, हाँ बेटा हितेश, कुबादे, सब ये आएगा, है ना। आप जीव लगाओ क्लास में, है ना, मन लगा के पढ़ो। जो आपका आधुनिक मनुष्य का पूर्वज, जो वर्तमान में आपका होमी सेपियंस है, क्या आपका होमो सेपियंस, ठीक है, तो होमो सेपियंस वर्तमान में क्या आपका होमो सेपियंस, इसका पूर्वज क्या था आपका, क्रो मैग्नॉन मनुष्य, कौन आपका, क्रो मैग्नॉन मनुष्य। तो 12 का आंसर बी होगा। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव का सांस्कृतिक गौरव है ना। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव महाराष्ट्र का सांस्कृतिक गौरव है। अरे यार ठीक है, महाराष्ट्र सरपंच साहब व्यवस्था देखो भैया, व्यवस्था में लगो थोड़ा, जरा भंडारा करा रहे हो तो। अन्नू बोल रही सरपंच साहब पहले अपना देखो फिर भंडारा कराना, ठीक है। भारत के नृत्य, बेटा सरपंच साहब है वो, ऐसे ही छोटे मोटे भंडारे तो करवाते रहते, ठीक है। सर शादी नहीं हो रहा है, किसकी शादी नहीं, तुम्हारी, ये प्रश्न पल्ले ना पड़े, लो पल्लू पड़े आपका। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा, है ना, ऊर्जा जमा होती किस रूप में आपके, है ना, लीवर, मेरे जिगर के टुकड़े हो तुम, क्या होगा, मी आई कम इन सर, हो, खाना भैया आ गए हैं। कितने भंडारे कहाँ है खाना अभी तक, सुबह से कहाँ कहाँ जाना अभी, और खाना तो एक बोरा लेके साथ में एक डब्बा और बोरा लेके ही चल रहा होगा, बोले स्टोर करते चलो, चप्पल अप्पल पहन के जा रहे हो खाना भंडारा में, कैसे ही जा रहे हो, है देखना चप्पल पहन के मत आना, है ना, तो भंडारे के बदला भंडारा भी मिलता वापस। तो आपका यकृत लीवर, है ना, यहां पर आपकी ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, किस रूप में आपके, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है आपके, ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संचित होती है, तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा आपके ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, ठीक है। नुआखाई उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य, बड़ा सरल सा प्रश्न है आपके, नुआखाई, ठीक है, नुआखाई फेस्टिवल, गलत हुई गया, ठीक है, गुड, शिवानी शुक्ला ने बहुत अच्छा आंसर किया। काना को बेचारे को आते इसको ना भगा देते तुम, वो आया थोड़ा कोई हालचाल पूछने, माहौल देखने, आते उस पे टूट पड़ते हो, है। चलिए तो ये जो आपका नुआखाई, ठीक है, तो नुआखाई उत्सव किस राज्य का आपके, उड़ीसा में मनाया जाता, कहाँ पर आपके, उड़ीसा में आपका मनाया जाता। फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया बाद में देना, अभी तो आप वीडियो को लाइक शेयर करो। भारत में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है, केवल चालू खाते पर, केवल पूंजी खाते पर, दोनों खाते पर, किसी खाते पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का 14 का आंसर करिए। केवल चालू खाते पर, ठीक है, तो भारत में रुपए की परिवर्तनीयता लागू केवल चालू खाते पर है, ठीक है। चलिए, थाई पुसम किस राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है आपके, थाई पुसम, आंसर करो, थाई पुसम, थाई पुसम किस राज्य का आपके, तमिलनाडु का बेटा, कहाँ के आपके, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपके थाई पुसम किस राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है आपके, तो ये आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाट कहाँ पर स्थित है आपके, अंकटाट, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस,
कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड इज लोकेटेड, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। तो सिंपल सी बात है, कहाँ पर होगा आपके, जेनेवा में, हेडक्वार्टर भी जेनेवा में, यहीं पर स्थित है। तो 15 का आंसर होगा ए। कौन सा महोत्सव केरल में नए साल के रूप में मनाया जाता है, इसका आंसर करिए आप। केरल में कौन सा, तो ये जो आपका बिशु महोत्सव, कौन सा आपका बिशु महोत्सव, ठीक है, बिशु महोत्सव, ठीक है। तो बिशु महोत्सव आपका केरल में आपके नए साल के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो केरल में नए साल के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है बिशु महोत्सव। आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस है क्वेश्चन, मैं कई बार करा चुका हूं आपको। क्या कह रहा काना, सर जी भंडारे में दो पूरी देते हैं बस, इसलिए बहुत जगह जाना होता है। अच्छा, तो काना तुम तो मुख्य अतिथि होंगे कई जगह, तो आप क्यों काना भाई, काना तो मुख्य अतिथि होंगे आज, चप्पल अप्पल पहन के जाओगे काना, कैसे ही जाओगे। तो ये आपके कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण, क्या थे आपके कार्टूनिस्ट, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हुआ करते थे। 16 का आंसर सी, हमारे इधर के भंडारा में वो भरपेट मिलता खाना, तुम्हारे इधर भंडारे पता नहीं कहाँ जाते तुम। तिरुपति महोत्सव आंध्र प्रदेश के किस राज्य में मनाया जाता है, किस देवता को समर्पित है आप, तिरुपा है ना, वेंकटेश्वर भगवान बालाजी, ठीक है। तो ये जो आपके वेंकटेश्वर, ठीक है, वेंकटेश्वर भगवान बालाजी, ठीक है, तो वेंकटेश्वर भगवान बालाजी, वेंकटेश्वर भगवान बालाजी। तो तिरुपति महोत्सव, तिरुपति महोत्सव आंध्र प्रदेश, तिरुपति महोत्सव आंध्र प्रदेश राज्य मनाया जाता, जो किस देवता को समर्पित है आपके, वेंकटेश्वर बालाजी, वेंकटेश्वर बालाजी को, ठीक है। चलिए, किस टीम ने सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है, सबसे अधिक बार, लगभग 14 बार उन्होंने जीता है, सबसे अधिक बार मतलब लगभग 14 बार उन्होंने क्या आपका जीता है। तो किस टीम ने सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता आपके, एफसी मोहन बागान ने, लगभग 14 बार। 17 का आंसर डी होगा। मैं दम मैं फू क्यू पूर्वजी की पूजा का महोत्सव जो किस राज्य, ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 बार ऑलरेडी करा दिया है, कितनी बार आपके, 3 बार करा दिया बेटा, है ना। मैं दम मैं फी पूर्वजों की पूजा का उत्सव जो आपके असम में, कहाँ पर आपके असम में मनाया जाता है, कहाँ पर आपके असम में, ठीक है, असम में मनाया जाता, पढ़ाने के बावजूद भी गलत कर रहे हैं लोग बाग, हाँ देख रहे विनोद आप, मन उनका भंडारे में, आत्मा भंडारे में भटक रही। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खां कौन से घराने से संबंधित थे, इसका आंसर कर दो भैया, है ना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खां किस घराने से आपके, दिल्ली घराने से संबंधित है, कौन से घराने से आपके, दिल्ली घराने से, ठीक है। देख रहे हो आप विनोद, है ना, हाथ ऐसा कर लिया कोई देख ना पाए किसी को। चलिए, धनुष यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है, वह किसकी पौराणिक कहानी पर आधारित है, भगवान कृष्ण और कंस मामा, ठीक है, भगवान कृष्ण और कंस मामा आपके। तो धनुष यात्रा उड़ीसा, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, धनुष यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है, वह किसी पौराणिक कहानी पर आपके भगवान कृष्ण और कंस। उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में आपका मनाया जाता है, बड़ा पतंग फेस्टिवल होता है वहां पर आपके, क्या होता है, बड़ा ही पतंग फेस्टिवल होता है, ठीक है, और 1989 से पतंग फेस्टिवल आपका मनाया जा रहा है, 1989 से, बहुत बड़ा, मोदी जी भी जाते इसमें, है ना, बड़ा पतंग फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तरायण का त्यौहार आपके गुजरात में, है ना, गुजरात में गरबा भी काफी फेमस है। कंबारा महोत्सव किसकी दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर कर दो भाई,
वीडियो को लाइक शेयर करो। नीलेश भगत, दिल वालों की, क्या बेटा दिल वालों की, खाना मेरे को बंडा बंदा कर लेता थी पूरी। हाँ तो ये आपके भेसा, क्या आपका भेसा है, क्या आपका भेसा, कम्बाला महोत्सव में आपका भेसा दीदी को दौड़ाया जाता है। किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना, ये आपके भारत है ना भेसा मोसी, ये आपके 2003 में, ठीक है 2003 में, सांस्कृतिक पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। चेहरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है ना, इसका आंसर करिए। ये जो आपके उड़ीसा में रथ यात्रा होती, कहाँ पर, आपके ओडिशा में, ठीक है। तो ओडिशा में जो आपकी रथ यात्रा होती, ओडिशा में क्या होती है आपके रथ यात्रा, तो चेरा पहारा अनुष्ठान जो उड़ीसा में रथ यात्रा। चलो इसके आंसर करो फटाफट। बात तो करो। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी आपकी एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप, कौन सी आपकी एशियाई बैडमिंटन, ठीक है। तो ये जो आपके एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप, एशियाई बैडमिंटन वर्ष 2003 में बंगाल की खाड़ी में आने वाला मोचा यमन, कौन सा आपका यमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह आपके मालदीव के म्यांमार, देखते हैं इसको, समुद्री शक्ति आपने किसके साथ में आपके इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। और ये आपके लिंडा याकोरिना, लिंडा याकोरिना, लिंडा याकोरिना, और ये आपका मालदीव ही है, क्या आपका मालदीव है, ठीक है। तो ये आपके मालदीव है। गोपाल जाधव के लिए तालिया, गोपाल जाधव, थैंक यू सर, नाइस सेशन। निशा राठौर, जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को बदलता है। वाह यार बहुत अच्छा लिखा ना, शाबाश, ठीक है। तो इसके अलावा इन्होंने सचिन अहिरवार, रास्ते जितने मुश्किल होंगे मंजिल उतनी ही हसीन होगी, गट। चलिए ये आपका होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा होमवर्क, क्या करिएगा आपका कमेंट बॉक्स में होमवर्क आप लिखिए, अपनी प्रतिक्रिया दें। ये आपका स्पेशल ऑफर है 15 से 24 अक्टूबर है ना, व्यापम ऑफलाइन बेच के लिए, जिसकी फीस है 9,999, 999, बहुत ही नॉमिनल फीस है, आपको याद रखना है। दोपहर 2 से 8 बजे तक बेच रहेगी ऑफर, कल आखिरी भैया, कल खत्म हो जाएगा, कल 24 तारीख है ना, तो कल लास्ट, उसके पहले पहले ले लेना आप। ये आपका नवरात्रि के विनर्स के ऑनलाइन कोर्सेस पर भी छूट है कल तक के लिए। और आपका MTS 699, SSC फाउंडेशन 1999 है ना, ये क्विज जोन है आपका विनर्स का, यहाँ यहाँ PDF मिल जाएगी आपको। विनर्स ऐप में क्या क्या फीचर है, विनर्स की यूट्यूब चैनल, इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।